प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होता है बेटा? इसको हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। हाँ जी, प्रायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? 15 चैप्टर आ रहा है बेटा, 15, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मिल गया हिंदी में, प्रायिकता। क्या कहता है प्रायिकता? प्रायिकता जो बात करता है बच्चों, किसी चीज़ की संभावना की बात करता है, नहीं समझे? When we are not sure of anything, then we are talking about the, then we use the word probability. Understood? जब हम किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं होते, श्योरिटी नहीं होती, जैसे मान लो मैंने कहा बारिश हो सकती है, तो बारिश के होने और ना होने की क्या है? संभावना है ना, तो then we are talking about the probability, है ना? ये सुनो, सिक्का उछाला, कॉइन को हमने टॉस किया, उल्लाया, तो क्या उछाला, जो भी है, तो जब उछालते हैं तो क्या होता है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या सुनो, तो उसके प्रोबेबिलिटी इक्वल है, एक बड़ा आता है इसका, इक्वली लाइकली, क्या कहते हैं उसको, है संप्रायिक, हाँ संप्रायिक होता है, इसका मतलब आने के चांसेस बराबर हैं बेटा, हेड भी हो सकता है और वो टेल भी हो सकता है। तो ऐसे केस में जिसमें आपके दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, बोलो ना, है इक्वली लाइक या संप्रायिक। और ऐसी जगह हम यूज़ क्या करते हैं, जिसका नाम क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। अंडरस्टूड है? तो इस एक्सरसाइज बेटा में यही करना है, हमें प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। प्रायिकता का मतलब संभावना, यानी जब किसी चीज़ की क्लियरिटी नहीं होती, हम श्योर नहीं होते। और ध्यान रखना, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपकी हमेशा पी माने क्या है, पी माने प्रोबेबिलिटी, ये सुन लो, है जी, पी माने क्या है, प्रोबेबिलिटी, और ई माने क्या है, यहाँ पे घटना, घटना मतलब इवेंट। कौन सा वर्ड यूज़ किया हमने इसमें? घटना मतलब हमने इवेंट का वर्ड यूज़ किया, और दोनों का मतलब क्या है? हाँ जी, पी फॉर प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, और ई फॉर इवेंट, इसको कहते हैं घटना, यानी उस चीज़ के होने की जो घटना है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो हमें निकालनी है। ये सुन लो, मान लो मैंने दो टॉस, अच्छा एक चीज़ और, इसका फॉर्मूला क्या है? इसके दो फॉर्मूले हैं, एक तो आपका पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू वन होता है, नहीं समझे? इस पे एक क्वेश्चन आता है आपका पेपर में, बुक में ही बहुत सारे पढ़े हैं, होने की और ई माने पी ई होने की, उस ई माने इवेंट, घटना होने की, और पी नॉट ई नहीं होने की इज इक्वल टू क्या है, नहीं समझ आई, होने की और ना होने की वन है। जैसे एक क्वेश्चन है आपका बुक में, जैसे क्वेश्चन नंबर एक्जी मैं ले लेता हूँ, मैं करा दिया फिर भी एक बार देख लो। जैसे क्वेश्चन इसमें दिया है बेटा, क्वेश्चन फिफ्थ देखो, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन फिफ्थ? क्वेश्चन फिफ्थ क्या कहता है, दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन फाइव कह रहा है बच्चे कि यदि पी, इफ पी बराबर क्या है, 0.05, क्या कहता है, पी ई जो है वो 0.05 है, ई माने इवेंट, जब सिर्फ ये लिखाओ ई, ना कि नॉट ई, ई नहीं, अगर ये वर्ड ना आए, सिर्फ क्या लिखाओ, पी ई, है ना, और वाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉट ई, तो हमें क्या निकालना, उसकी प्रायिकता निकालना है जिसमें ई नहीं है। ये सुन लो, हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है, जिसमें ई नहीं है, ये सुन लो, तो नहीं की प्रायिकता, ई नहीं की, नॉट मतलब आप लिखना चाहो तो नॉट की जगह लिख सकते हो नहीं, ठीक है, बात वही है, नॉट ई यानी नहीं। तो पी ई की कितनी है, निकालनी किसकी है, पी नॉट ई या नहीं ई की हमें प्रायिकता निकालनी है, सही में आ रहा है? इसका फॉर्मूला क्या है, गोल्डन फॉर्मूला, पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू क्या है, जल्दी बोलो ना, वन होता है बेटा, पी ई प्लस पी नॉट ई, होने की और ना होने की। क्वेश्चन में क्या दिया है, फिफ्थ क्वेश्चन में होने की दी गई है 0.05, और निकालनी है आपको ना होने की यानी नॉट ई। तो फॉर्मूला तो है होने की प्लस नहीं होने की, होने की कितनी दी है क्वेश्चन में आपको, तो इसी जगह हम क्या लिखेंगे, 0.05, बोलो ना क्या लिखते हैं, 0.05। तो पी ई की जगह हम क्या ले सकते हैं, फॉर्मूला है प्लस पी नॉट ई, आप लोग हिंदी में लिख लो नहीं ई, वन है ना, होने की कितनी दी है 0.05,
नॉट ई निकालनी है आपको, तो कितनी हो गई वो वन, तो पी नॉट ई इज इक्वल टू बच्चे वन माइनस 0.05। सुनो इधर लिखो जल्दी से, और जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, अगर आप वन से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई माइनस करते हो तो क्या होगा, अच्छा डेसिमल माइनस हो रहे हैं तो मैं यहाँ भी डेसिमल लगाना पड़ता है, कितने डेसिमल हैं दो, एक और एक दो, तो मैं यहाँ भी लिखना है 0.05। ये सुनो ये तो हुआ, यानी कहने का मतलब आपके दो डेसिमल पे वैल्यू क्या हो रही है बेटा, माइनस हो रही है ना, हाँ तो आपको दो डेसिमल लेने पड़ेंगे। अच्छा अब ये क्या हो गया, ये वाला एक कैरी हुआ, ये 10 हो गया और ये 9 में 5 गया, सॉरी ये तो 9 हो गया और ये 10 हो गया, 10 में 5 गया 5 9 9 कितना बचा डेसिमल 0, ये तो कट गया ना कैरी हो गया इधर, ठीक है ऐसी तो होगा ना, हाँ ये तो माइनस है प्लस माइनस, हाँ चंद्रा अंदर अंदर, हाँ बेटा ये तो हुआ गुड, तो हम इसको माइनस करेंगे तो कितना बचा बेटा 0.95। ये आंसर है पी नॉट ई, क्लियर? हाँ जी बेटा लिखो फिर कॉपी में, लिखते भी जाओ साथ में, हाँ ये तो हुआ पी नॉट ई आपका ये निकला। आ गया बात नहीं, क्या चाहिए सी सर, मार्कर पेन हाँ ओए यार तू अंदर आया बाहर जा, हाँ चलो ए ओए अंदर आया बाहर जा, अंदर आएगा चंद्रा, अंदर आया बाहर जा, कहाँ जाएगा अंदर आएगा, हाँ चल अंदर चल, चल बाहर जा, चल भाग घर जा, भाग गेट से भाग यहाँ से, याद अंदर आ ओए, बेटा इसको घर छोड़ के आ, कहाँ गई इसको घर छोड़ के आ, या तो मम्मी से कह दो अंदर लाओ इसे घर छोड़ो, टूट टाट जाएगा अभी, मिल गया बेटा जा इसे घर छोड़ के आओ लेके आओ, हाँ मिल गया बेटा, होने की और ना होने की बने, हमें होने की दी गई थी निकालनी, ना होने की है, अंडरस्टूड? तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, एक नंबर दो नंबर का क्वेश्चन आता है वाला। अब डायरेक्ट फिफ्थ के बाद डायरेक्ट देखो क्वेश्चन सेम तरीके से है, सेवन्थ क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन सेवन देखो, हटाऊंगे देखो सेम तरीका है, पहले मैं वो ले लेता हूँ जो सेम फैमिली पर अप्लाई हो रहे हैं। सेवन्थ क्वेश्चन भी देख लो, इट इज़ गिवन दैट, ये दिया गया है कि इन अ ग्रुप ऑफ थ्री स्टूडेंट, टोटल नंबर स्टूडेंट कितना है, क्वेश्चन सेवन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है बेटा, टोटल नंबर ऑफ, साथ में लिखते भी चलो बेटा, फॉर्मूला समझा दिया मैंने, स्टूडेंट्स इज इक्वल टू थ्री, हिंदी में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कुल विद्यार्थियों की संख्या, हाँ बेटा थ्री है, सुनो टोटल स्टूडेंट थ्री है। फिर वो कहता है द प्रोबेबिलिटी टू स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992, यानी पी ई जो है होने की, तीन स्टूडेंट में दो स्टूडेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सेम बर्थडे होने की तो है yes, नहीं टू स्टूडेंट नॉट हैविंग नॉट नो सॉरी नॉट ई नॉट ई जो है कितनी है 0.992। नॉट ई की क्या लिखोगे आप लोग हिंदी वाले, पी नहीं ई, आप मैं लिखा हिंदी बता रहा हूँ 0.992 तो लिखोगे, यानी कहने का मतलब बस सेम दो बच्चों के सेम दिन बर्थडे ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, नहीं समझे, ये तो कह रहा है समझो ना, ये तो कह रहा है इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ थ्री स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे 0.992, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, दो बच्चों के होने की
सेम दिन बर्थडे यानी उनका जन्मदिन होने की प्रायिकता क्या होगी? ना होने की क्या है, निकालनी किसकी है? होने की। ना होने की दी गई है, निकालनी किसकी है? होने की। ना होने की, होने की निकालनी ना, ना होने की दी है तो ना होना प्लस होना इज इक्वल टू वन होना, ये तो होना नहीं। अभी ये दूसरी बार हो रहा है, होना ई माने होना, नोट ई मतलब ना होना इज इक्वल टू वन होना, ये तो हुआ फॉर्मूला। निकालनी इसकी है होने की। नहीं, बर्थडे नहीं है, बर्थडे नहीं है, ये निकालनी है बर्थडे कब होगा उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी होना, ना होना नहीं होना। ना होने की दी गई है कितनी है, कंफ्यूज, ना होने की कितनी है, नोटी, तो क्या बचा फॉर्मूला, ई बचा ना, ई माने होना और नोट ई मतलब अंडरस्टूड है ना, तो मैं कंफ्यूज क्या कर रहा हूँ। हाँ पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू था वन, हिंदी में पी यानी कि नहीं ई है ना, पी नहीं ई यार, नॉट ई लिख दो, क्या दिक्कत है यार, पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू वन है ना। अच्छा दी किसके गई है आपको, पूछी किससे गई है, पी पूछी किसकी गई है, होने की, क्वेश्चन पढ़ो लिखा हुआ है होने की ज्ञात करो है ना, क्या लिखा है, इसकी क्या अपेक्षा है कि दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होगा है ना, तो निकाल लें, तो क्या लगेगा पी निकालना है ना आपको, और निकाल दिया क्या नहीं है, दिया क्या नहीं है, दिया नहीं है पी और दिया है पी नॉट ई, यानी 0.992 इज इक्वल टू वन, तो पी निकल आएगा आपका, पी ई इज इक्वल टू क्या हुआ 1 - 0.992, ये सुन लो, नहीं आए सही में, बड़े यहाँ प्लस हो रहा है ना, बराबर क्या क्या जाता है माइनस, अंडरस्टूड है, तो वन में से माइनस के कितना करना है आपको 0.992, ये सुन लो, वन में से कितना माइनस करना है 0.992 है ना, 1 - 0.992 वन, कितने डेसिमल है, तीन पर एक दो तीन, ये तो ठीक करते हैं, ऐसे तो माइनस करते हैं या डेसिमल वैल्यू होती है, तो 99, अच्छा वन दिया है ना और माइनस क्या करना है 0.992, यानी डेसिमल कितना है एक दो तीन है ना, जीरो, अच्छा पॉइंट से पॉइंट मिलाओ 992, हाँ जी ये तो हुआ, माइनस का साइन लगाया हमने, ये सुन लो अब क्या जाता है, यहाँ वन ही बचा ना, तो ये क्या हो गया 99 और ये अगर टू बस तो होता है यहाँ वन बच जाता है, ये सुन लो, ये तो आते हैं बच्चों वाले माइनस से है ना, 10 में से तो हो गया 8, 9 में से हो गया 0, 9 में से हो गया 0 पॉइंट, यहाँ बचा ही नहीं कुछ, क्यों जी वन कैरी हो गया, जी तो बचा कितना बचा 0.008, ये तो बचा, तो क्या होगी 0.008 किसके, दो बच्चों के एक दिन बर्थडे होने की, एक ही दिन सेम दिन है, ये तो प्रोबेबिलिटी वन और जीरो की भी होती पता है ना आपको, जब मैंने बेसिक्स पढ़ाए थे आपको, मेरी वीडियो भी देख लेना, पढ़ी हुई वीडियो पर है ना, मैंने पढ़ाया था ना उसमें, आप देख लेना कि मैंने बताया प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो वन के बीच होती है, ना जीरो से कम ना जीरो वन से ज़्यादा, जीरो वन के मिडिल होगी, माइनस में नहीं होती कभी भी है ना, अभी MCQs भी किए थे ऐसे हमने कुछ, ठीक है, किसको समझ में नहीं आई हाथ उठाए, समझ आई क्लियर बेटा, अच्छा फिर से फॉर्मूला बता देता हूँ, ये फॉर्मूला क्या था, पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू वन, कभी आपको होने की दे देगा पी ई देगा, कभी आपको पी नॉट ई दे देगा और आपको निकालना होगा, तो पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू वन होता है, अगर होने की दी है तो आपको ना होने की निकालनी होगी और ना होने की दी गई है तो आपको होने की निकालनी होगी, जो हमेशा दोनों का सम जो होगा होना ना होना जो वन के बराबर होगा, अंडरस्टूड क्लियर, अब तुम कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे, हाँ जी अच्छा आपका ना होना होना हो जाएगा अभी, होना आपका ना होना कर देंगे अभी हम, क्लियर हाँ जी क्लियर आ गए सर, अच्छा एक 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 सर वो करवा लेना, मैं भूल गया जो है बेंच बेंच है ना, होना ना होना होना होना, ठीक है आगे बढ़ते हैं, अच्छा साथ में हो गया, अच्छा छठा क्वेश्चन देख लो, हो गया हो गया, अच्छा अच्छा इसका फॉर्मूला लिख लो प्रोबेबिलिटी का, अच्छा ये कौन सा फॉर्मूला था आपका, ये वन का था, किसका था वन का, और आप किसका फॉर्मूला निकालना है बेटा आपको, प्रोबेबिलिटी का जो जेन्युइन फॉर्मूला है,
वो क्या है, पी ई का होता है, मैं ध्यान रखना, दो फॉर्म लिखवाऊंगा, एक मैं अपना वाला लिखवाऊंगा, एक जो बुक में दिया है वो लिखवाऊंगा, ठीक है? और तुम कहना कौन सा वाला बढ़िया लग रहा है। पेपर में तुम्हें फॉर्मूला लिखना, पेपर में तुम्हें आंसर लिखना। फॉर्मूला इसलिए बने हैं, फॉर्मूला इसलिए बनाया कि तो आप आंसर दे सको, यस और नो? फॉर्मूला इसलिए बनाया गया कि आपका आंसर आ जाए, यस और नो? फॉर्मूला एक शॉर्टकट मेथड होता है आपके आंसर तक पहुंचाने का, नहीं समझे? हाईवे किस लिए बनाया गया? गली मोहल्ले भी थे, बंदा हाईवे क्यों बनाया? क्या गली मोहल्ले से नहीं पहुँचोगे मकसद पर? पहुँचोगे ना, लेकिन हाँ, क्योंकि गली मोहल्ले में आपको जानवर मिल सकते हैं जो पकड़ लेंगे, गली छोटी है, यस और नो? कहीं फंस गए रास्ते में, गाड़ी नहीं जा रही, बंदा ही नहीं कर सकता, हाँ जी दिक्कत होगी ना वहाँ पर, इसलिए क्या बना, हाईवे बना, इसलिए हाईवे फार्मूला। हाँ यहाँ पे आओ, ओए यहाँ देखो, अच्छा फार्मूला क्या है जो, अच्छा बुक में लिखा हुआ है, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल ई, ई मतलब घटना, इवेंट, हाँ टू ई यही तो है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ये तो है ना, ये बुक वाला है, हमारा वाला भी नहीं है, बाद में आएगा। देखो जो बुक में हिंदी में क्या लिखा हुआ है, हिंदी बुक खोलो बेटा आप, हाँ हिंदी में लिखा हुआ है ये वाला फॉर्म, बात है नहीं, बात है नहीं, ये लिखा हुआ है पेज नंबर 316, अगर आपकी कैपिटल की है, उसमें लिखा है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, जो मैं लिख देता हूँ, ई के, ई माने घटना, इवेंट, ई माने क्या है, घटना है ना, ई के अनुकूल, बात है नहीं, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, संख्या प्रयोग के सभी संभव परिणामों की, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, किसको नहीं आ रही अभी से में, यानी कहने का मतलब, अच्छा ये बुक का है, होता क्या, ई माने होता घटना, क्या हुआ, मान लो आपके साथ कुछ हुई घटना, बात है नहीं, हाँ जी बेटा, तो आप देखो सर उधर चले गए क्या अभी, एक सर बात नहीं, अच्छा अच्छा चलो ठीक है, बात ही नहीं है, मैं कर रहा हूँ ना, बातें नहीं करो फिर बातें हो रही है, चलो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन पी प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, ये फॉर्मूला है, ये सर आपके पास आए क्या उधर, हाँ अच्छा सर बढ़िया गया, ठीक है नहीं, हाँ ठीक है, अमित सर उधर ही है ना बगल में, अंदर 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 वाले कमरे में, चलो ठीक है, ठीक है चलो ध्यान दो, तो अच्छा ये फॉर्मूला दूसरा वाला है, अच्छा ये जब बात करते हैं ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस के बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल जब करोगे, जब आपको होने या ना होने की बात की जाएगी, और इसमें होना या ना होना निकालना होगा, कैसे नो,
ये फॉर्मूला जब लगाओगे, जब आपको मान लो मैंने कहा एक सिक्का एक कॉइन को मैंने उछाला, उसमें आने की संभावना कितनी है? दो है ना, एक हेड या टेल, चितपट, दो ही तो हो सकती हैं। नहीं सुन लो, दोनों हो जाएंगी, रजनीकांत होनी आप क्या आपका सिक्का खड़ा, या तो आपका हेड आएगा या आपका टेल, दोनों में एक आएगा बेटा। टोटल कितने हो सकते थे? टोटल कितने हैं? एक हेड और एक दो है ना, टोटल कितने हैं? लेकिन आ कितना सकता है? मान लो मैंने कहा हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, वन अपॉन क्यू, टोटल कितने हैं? तो मेरा वाला फॉर्मूला क्या आया? पी माने प्रोबेबिलिटी जिसकी बात की जा रही है वो ऊपर और जो टोटल है वो नीचे, कैसी रही? नहीं जिसकी बात की जा रही है वो ऊपर और टोटल है नीचे, कैसी रही? नहीं आया ऐसा फॉर्मूला जो आप लिख नहीं सकते? आज याद हो गया नहीं आया या नहीं आया? फॉर्मूला क्या है? जिसकी बात की जा रही है और जो टोटल है वो ही नीचे। इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, फॉर्मूला क्या लिखा? नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, हिंदी में ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी ई की बात कर रहा है जो ई आप ढूंढना चाह रहे हो, उसमें नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, यानी जो भी होंगे कितने संभव हो सकते थे कुल, यानी हेड में दो हो सकते थे, हेड और टेल, तो दो गए, दो नीचे आया, क्या ऊपर। मान लो पासा, पासा मतलब डाइस, डाइस में टोटल कितने हैं? आपने पासा उछाला, फेंका, तो क्या हुआ? थ्रो किया, टोटल कितने आ सकते हैं पासे में? इक्की दुक्की टिक्की चौकी पंजी छक्की, 1 2 3 4 5 6, ये तो नए नंबर जो उसमें हैं सारे एक साथ आ जाएंगे, फेंकोगे एक बार में, 21 से लेके छक्की तक कोई भी एक आएगा, एक ही तो आएगा बे, आएगा तो एक ही, यानी एक से लेके छः नंबर तक में 1 2 3 4 5 या 6 इनमें से एक आएगा, यस और नो? क्या सारे आ जाएंगे? दो आ सकते हैं? नहीं, नंबर आ सकता है दो, नौ नंबर, तीन नंबर आ सकता है, लेकिन वो तीन नंबर है क्या उसका? एक ही तो है, यानी कहने का मतलब पासे में टोटल नंबर कितने हैं? छः हैं, तो छः कहाँ जाएंगे आपके फॉर्मूले में? मान लो आपने पासा उछाला और उस पर तीन नंबर आया, वो तीन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? है तो एक ही नंबर, छः नंबर, छः का मतलब बच्चे क्या करते, तीन लिख देते, दो आया, कन्फ्यूज यहाँ होते, दो आया था दो लिखते, चार आएगा चार, नहीं वो चार है क्या उसका? एक ही बार तो आया, क्योंकि पासे में टोटल छः हैं और सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन अगर देखा जाए वो छः जो नंबर, छः जो डिजिट्स हैं एक से लेके छः तक, लेकिन अपने आप में वो क्या है? एक फेस है, पासे के छः चेहरे हैं, ऐसा समझ में आएगा, छः फेसेस है ना, जिसमें किसी पे एक है किसी पे दो है। अगर मान लो दो नंबर का आया तो फेस क्या है उसका? टोटल तो छः है ना उसमें, जैसे एक कमरा है इसमें टोटल कितने हैं? ये पासा मान लो है ना, हाँ समझ में आया, और इसमें कहीं पे हमने एक नंबर लिख दिया, कहीं पे दो, कहीं पे तीन, कहीं पे चार, कहीं पे पांच, और इसको उठाया और फेंका मैंने, अब क्या होगा? कहीं मान लो दो नंबर आया तो, लेकिन वो है तो एक ही, यानी एक एक साइड से मिलके छः बनी ना, तो वो छः जो हम ले रहे हैं उनमें से एक ले रहे हैं, वो क्या है उसका? इवेंट, वो उसकी घटना है, ध्यान रखना, नंबर नहीं लेते इसमें, हम क्या लेते हैं? घटना लेते हैं। इवेंट का मतलब ही आपको फॉर्मूला लिखा है कि उसका घटना निकालो, उसकी इवेंट, इवेंट निकालो, यानी वो चीज़ कितने बार हो सकती है। अब मान यहाँ तो समय आ गया, तो ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन टफ होता है, मैं बाद में समझाऊंगा, पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? तो फॉर्मूला समझ में आ गया। अच्छा, इस फॉर्मूले डिफरेंस क्या है? ये जब लगाएंगे, जब आपके पास होने और ना होने की बात की जा रही है और होना या ना होने में से कुछ एक निकालने को पूछा जा रहा है, ये सुन लो, और ये फॉर्मूला जब लगाएंगे, जब आपसे ये पूछा जाए कि कोई चीज़ के इतने आउटकम्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, यानी कहने का मतलब आपके पास एक हाइट को, यानी एक बक्सा है, समझ लो क्वेश्चन, एक डिब्बा है, झोला है, बैग है, जो भी है, उसके हमने अंदर तीन लाल कैंडी और पांच नीली कैंडी डाल दी, माहौल होती है, सुन लो ना, तीन लाल और पांच नीली, टोटल कितनी हो गई? अब नीली की निकालो, नीली कैंडी कितनी है? तो 3 अपॉन टोटल कितनी हुई? 8 हुई ना, नीली प्लस लाल 8 हुई ना,
तीन नीली, पांच लाल, टोटल कितनी हो गई? आठ। आठ कहाँ जाएंगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? क्योंकि टोटल जाता है नीचे, आ गया। और जिसकी बात कर रहे हैं निकालनी नीली की है तीन, अगर मान लो लाल की निकालनी होती तो फाइव अपॉन एट, विच इज योर आंसर। समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे बना, कैसे काम कर रहा है? ऐसे ही अब जो ये दो कर लिए सारे क्वेश्चन हो गए, सारी एक्सरसाइज इन्हीं दो फॉर्मूले पर लगी हुई है और आपको इस क्वेश्चन पर ध्यान देना है। आप देखो जल्दी से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन? सेवन हो गया अभी है ना, एथ भी हो गया आपका, एथ देख लो, मैं एक मिनट के लिए देख लो, अभी बताया वही तो था। देखो क्या है क्वेश्चन, एट देखो बेटा, जो भी बोला वही है, फिर भी एक बार देख लो क्वेश्चन एट, देखो बात है नहीं, क्या कहता है क्वेश्चन एट? हाँ बच्चे क्वेश्चन एट पे ध्यान दें, क्या कहता है? अब बैग कंटे तीन रेड बॉल है, पांच ब्लैक बॉल है ना, टोटल बॉल कितनी हुई? टोटल बॉल्स कुल गेंद है कितनी हुई? थ्री प्लस फाइव इज इक्वल टू एटी, तो हुई है ना, जिसमें रेड कितनी है और ब्लैक कितनी है, रेड में लाल लिख दो, ब्लैक मतलब काली, थ्री रेड थ्री और पांच ब्लैक है। सुन लो, All a ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is? तो अब इनमें से क्या की उन्होंने एक बॉल निकाल ली, यानी क्या निकाल ली? एक गेंद निकाल ली। अब पहली वाली कंडीशन कह रही है कि प्रॉबिलिटी किसकी निकालनी है आपको, तो ई क्या है यहाँ पर? ई यानी घटना क्या है इसकी? रेड, रेड मतलब लाल, लाल रंग की घटना बताओ यानी प्रॉबिलिटी निकालो, कितने लाल जो है वो उसकी प्रॉबिलिटी क्या हो सकती है? टोटल कहाँ जाता है एज पर द फॉर्मूला? हाँ जी जीरो, अब लिखा है ना आपके कैप के ऊपर, जब वो दिखा नहीं ना मुझे, हाँ क्योंकि आप जो सूट कर रहा है दिख रहा मुझे, हाँ अच्छा अच्छा, लेकिन तुम्हारा तो नंबर बढ़ ही नहीं रहा, तुम्हारा चश्मे का नंबर बढ़ रहा है बस। हाँ बेटा आगे बढ़े ना, देखो देखिए बेटा निकालना किसकी प्रॉपर्टी है, बगल बैठो बगल बैठो तुम, हाँ निकालनी लाल की है ना, तो लाल वाला जिसकी बात टोटल क्या जाता है? अच्छा ये डिवाइड हो सकता है नहीं, क्यों? थ्री एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है जो किसी से काटी नहीं जा सकती, हाँ तो इसलिए आपका आंसर क्या आया? थ्री बाई एट है ना, मिल गया ये सुनो, किसको नहीं आ रही? हाँ जी चलो अगला, इसका सेकेंड पार्ट क्या कहता था, किसकी प्रॉपर्टी निकालनी है? लाल वाली, नॉट रेड, नॉट रेड, नॉट रेड, एक मिनट देखो सुनो, हाँ बड़े बड़े बैठे हैं, नॉट रेड ना, लाल नहीं, क्या है? लाल नहीं चाहिए, लिखा हुआ है आपका बेटा, बातें नहीं, लाल नहीं हो, हिंदी में लिख लो लाल नहीं हो, चल लिख देता हूँ मैं, चलो अच्छा इसकी नॉट रेड का मतलब रेड कितनी है, है ना, तो अगर लाल की नहीं है तो किसकी बात कर रहा है? लॉजिक लगाओ ना, लाल जैसे मैं बोलता हूँ इस क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की बारे में बताओ, तो समझ तो है ना, तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है ना, तो किसका नाम आया है ना, किसका नाम आया है ना, है ना, सुनो मेरी बात, और मैं बताऊँ इस क्लास के ऐसे स्टूडेंट की बात करो जो बेवकूफ़ नहीं है, तो वो भी इंटेलिजेंट, दोनों बात हुई है, सुनो, तो कहने का मतलब जो रेड की थी, नॉट रेड मतलब नॉट रेड, तो क्या हुआ वो, अंडरस्टूड है, घुमा के पूछ रहा, इसी नॉट रेड इज नथिंग बट इज द, किसकी निकालनी है आपको? ब्लैक, ब्लैक मतलब ये ब्लैक क्या है? ई तो है, इज इक्वल टू टोटल कितनी जाएंगी? एट, ब्लैक कितना था? पांच, लिखो काले की, या है ना पी, यहाँ काले मास्टर भी है कोई, इधर ध्यान दो है ना, काले की प्रायिकता पांच बाई एट, ये सुनो, हाँ हाँ जी ये सुनो, तो ये आपका हो गया। नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आ रहा समय में, ये तो बहुत इजी है, अब तो बच्चे वाले क्वेश्चन लगेंगे सारे कर लोगे, ठीक है? नंबर क्वेश्चन देखो जल्दी से, समझा दिया मैंने बेसिक इसका, हाँ जी आगे बढ़े,
क्वेश्चन 9 पे ध्यान दो, फॉर्मूले मैंने सारे डिस्कस कर दिए आप लोगों को, है ना। तो अब 9 क्वेश्चन क्या करता है ध्यान से देखो, देखो एक बॉक्स है जिसके अंदर 5 जो मार्बल है, मार्बल मतलब कंचे, काली है ना, एक मिनट, 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं, समझे। तो देखो क्वेश्चन बात नहीं, क्वेश्चन क्या नाम है इसका, नमा। अच्छा ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, अच्छा क्वेश्चन है। तो टोटल कंचे कितने हैं, 17। टोटल मार्बल लिखो पहले, टोटल मार्बल हिंदी में कुल कंचे, कुल बगल बैठो अभी अभी नहीं, हाँ हाँ जाके बैठ जाओ, कुल कंचे यानी टोटल मार्बल मिल गया कितने हैं, 5 लाल के और 8 सफ़ेद हैं और 4 हरे, कितने हो गए, 8 × 5 = 13 = 17 हो गए, टोटल कितने हो गए, तो सबका नाम लिख देते हैं ऐसे, रेड कितने 5, फिर वाइट कितने, लहर मैं लाल लिख दो, वाइट मतलब सफ़ेद, कितने हैं 8 और 4 क्या है, ग्रीन, ग्रीन लिख दो हिंदी में, हरा, हाँ हरे कितने हैं 4, टोटल समझ में आ गया। वन मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, कितने थे इनमें से एक निकाल लो कोई भी, है ना, प्रॉब्ली दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड वाइट और नॉट ग्रीन, तो पहले रेड की निकालनी है, फिर वाइट की निकालनी है और फिर हरी नहीं है, ठीक है एक, अच्छा 18 थे टोटल में से कितने निकाल लिए उन्होंने, अब समझो ना इस क्वेश्चन में थोड़ी ट्विस्ट हो गई, उन्होंने कहा कि भाई इसमें जो 17 थे उनमें से क्या कर दिया उन्होंने, एक निकाल दिया, अब कितने बचे, हाँ कितने बचे 16, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको किस बात की, जो क्या नहीं है, हाँ जो आपकी क्या नहीं है, रेड है, वाइट है और हरा नहीं है, अभी बताते हैं। तो सबसे पहले अब बचे कितने, पहले निकालो, एक कम कर दिया, वन इज टेकन आउट फ्रॉम ऑल मार्बल, जितनी भी मार्बल थी उनमें से क्या निकाल दी, एक निकाल दी, देखो कुल कंचे में से एक कंचा निकाला आ रहा है, हाँ अब इसको अगर हम क्या करते रेड की, तो क्या लिखते पी आर रेड, पी माई प्रॉबिलिटी रेड की मतलब ई में घटना, कितने टोटल कितना है, रेड कितने बार आया, 5 × 17, ये था आंसर पहले का, दूसरे का क्या है, वाइट, वाइट यानी सफ़ेद लिख लो हिंदी में, कितने बार आया, 8 × यही है, तीसरा क्या है ना, नॉट ग्रीन, हिंदी में ग्रीन ना हो क्या लिखोगे, हरा नहीं हो, 17 नीचे गया, हरा ना हो, हरा ना कितने हैं, जो हरे नहीं हैं, जिसमें हरे ना में कौन आ रहा है, यानी आपका रेड प्लस वाइट क्या है, यहाँ पे पी में लिख सकते हो रेड प्लस वाइट, यानी क्या है इसका आपका 5 + 8/17, 8 × 5 कितना हुआ 13/17, विच इज योर आंसर, कैसी रही, हाँ जी एक रुक जाओ, कैसी रही समझ में आई, तो जो एक वाला कंफ्यूजन थी वो क्लियर हुई सबकी, क्या थी कि तुम्हें एक माइनस नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि एक वो निकाल के उसमें से नहीं फेंक रहा, वो तो बता रहा एक जो निकाल रहा है वो वाइट का भी हो सकता है, वो ग्रीन का भी हो सकता है और वो, हाँ अब समय आ गया, इसलिए आपको वो एक नहीं करना, ठीक है, हेलो आ गई कन्फ्यूजन थी ना, हेलो बस 5 मिनट बस हो गई बस, हाँ मैं करता हूँ, चलो ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है बेटा, तो इस बात पे आपको विशेष ध्यान क्या देना है, जो एक है वो कोई भी हो सकता है, वो इसमें से लेना है, ना कि हमें जो टोटल में से माइनस नहीं करना।